इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जिस तरह से हम वीडियो मोनेटाइज करते हैं और उनके सामने इस तरह का ग्रीन सिंबल आता है, तो ये जो ग्रीन सिंबल है इसका मतलब है कि आपके वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन है और आपके वीडियो पर एड्स शो हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए, एक नया येलो सिंबल आया है, ये जो डॉलर का येलो सिंबल पहले ग्रीन होता था, अब एक नया आया है। अब YouTube ने ये क्या किया है कि वो उन्हीं वीडियो पर एडवर्टाइज़ देता है जो वीडियो उसको काम के लगते हैं, जो एडवर्टाइज़ फ्रेंडली होते हैं। तो अब वो रैंडमली वीडियो सिलेक्ट करता है और उन वीडियो पर वो एड का येलो सिंबल दे देता है। और येलो सिंबल का ये मतलब है कि या तो आपके वीडियो पर एड नहीं आएंगे, और या फिर आएंगे तो बहुत कम आएंगे, मतलब ना के बराबर आएंगे। ऑलरेडी YouTube ने अपना जो एडवर्टाइज़ देने का जो मार्जिन था वो कम कर ही दिया है, तो अब ना के बराबर आएंगे, मतलब येलो सिंबल आ गया तो आप सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि आपके इस वीडियो पर, पर्टिकुलर वीडियो पर ऐड नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो एडवर्टाइज़ देने के लायक है, एडवर्टाइज़ फ्रेंडली है, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिव्यू का एक रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। वो भी आप उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आपके वीडियो ने एक महीने के अंदर 1000 व्यूज़ गेन किए हो, तभी वो लोग आपका रिव्यू लेंगे वीडियो का। रिव्यू लेने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ आपका वीडियो एडवर्टाइज़ फ्रेंडली है, तो वो फिर से इसका मोनेटाइजेशन का ग्रीन बटन आपका चालू कर देंगे, और अगर उनको लगता है कि ये एडवर्टाइज़ फ्रेंडली नहीं है तो वो येलो बटन कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो येलो बटन अगर आपको कहीं दिखाई दे तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधा सा आप वहाँ पर क्लिक करके उसका रिव्यू कर देवें। उसके बाद जैसे ही वो लोग इसका रिव्यू करेंगे, आपका मोनेटाइजेशन वापस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।